अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग निश्चित होंगे। वेलकम टू मोहम्मद शहाब। कलम वकास के पास गए थे, एक दिन हम उसके पास रहे, दो वीडियोस वहाँ पे बनाए, एक दिन जिस दिन गए और अगले दिन जब हम वहाँ से वापस आए तो आपने देखे होंगे काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। आज हम दोबारा उसके पास जा रहे हैं। आज जाने की दोबारा रीज़न ये है कि मेरे पास ये मोबाइल आपको नज़र आ रहा होगा, मैं अगर आपको दिखाता हूँ, इसके साथ हुआ गया मोबाइल है, ये अब्दुलरहमान का मोबाइल है, ये असल में टूट गया। ये देखें, पीछे से सारा इसका हाल ये हो गया और आगे से सारा ये हो गया, और अगर आप देखेंगे गौर से इसकी हड्डी देखें यहाँ से किस तरह की, तो ये ऑलमोस्ट नकारा हो गया। अगर इसको रिपेयर कराने की कोशिश करेंगे, रिपेयर हो भी जाएगा, लेकिन अब कब रिपेयर होगा, वापस कब मिलेगा, दूसरा नया लेने, हमने कहा नया लेने से पहले भी बेहतर ये है कि वकास के पास तीन मोबाइल हैं, उसमें से एक आधा मोबाइल जो है एक्स्ट्रा उसके पास पड़ा हुआ है, वो वैसे उसने सेफ्टी मतलब बैकअप के तौर पर रखा हुआ है। तो हमने कहा उसके पास दोबारा जाते हैं, मुलाकात भी इसी बहाने हो जाएगी, और मोबाइल अभी नया लेने से अच्छा है कुछ सही मोबाइल ले लेंगे थोड़ा ठहर के, लेकिन जो उसके पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल पड़ा है वो जाके उससे लेके आते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट चलते हैं, गर्मी काफी ज्यादा है, एयरपोर्ट के पास है। पड़ा हुआ है मोबाइल जो टूटा था, ये आपको मैंने पहले उसने दिखाया था, ये सामने आपके, ये क्या करना है अभी, इसका करेंगे क्या अभी, इसको ठीक कराएगा चेक कराऊंगा। अच्छा, इसका डेटा पड़ा हुआ मेरा, तो ये तो चलिए देखेंगे बाद में जब भी इसको ठीक कराएंगे, ठीक होगा या नहीं होगा वो फिर आपको बता देंगे, कि अगर इस तरह का मोबाइल आपका कभी ख़राब होता है तो आपको पता चल जाएगा आने वाले ब्लॉग में अगर ये ठीक होता है तो। ये अभी देगा या बाद में देगा? वैसे दो तीन दिन के बाद, जो कल रात लगातार, कल बल्कि सारा दिन, मतलब शाम से लेके सारा दिन तो नहीं, मतलब शाम से लेके 3-4 बजे से लेके रात 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे तक, पता नहीं उसके बाद हमें नहीं पता कब तक बारिश होती रही है। वो सीन आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, रास्ते में अभी तक पानी खड़ा हुआ है। Let me be your parachute. Let's fly. ये तो वकास को पता नहीं, ना वकास को पता, ना अलियास को पता। लास्ट टाइम मोहम्मद अवैस है जो वकास का भाई है, वो वहाँ पे नहीं था, तो वो भी अब वापस आ गया, वो छुट्टी गया हुआ था क्योंकि संडे था, आज मंडे है, तो अभी उनको नहीं पता कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो उनको सरप्राइज भी करते हैं जाके। और ये सीजी रोड जो जा रही है, ये ठोकर ही जा रही है, तो ये किनाल रोड से ठोकर ही जा रही है, तो ठोकर में जाके फिर जो भी थोड़ी बहुत चॉकलेट मिल्क वगैरह, जो भी रिफ्रेशमेंट वगैरह थोड़ी बहुत करेंगे। चॉकलेट मिल्क तो कहीं और से मिल नहीं रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे जब पूरा पहुंच गए तो हम लोग यहाँ भी लेने आए हैं, तो क्योंकि आगे से मिल नहीं रहा था, लास्ट से कल भी जब हम यहाँ पे आए थे तो कल भी नहीं मिला था, तो हो सकता है, उम्मीद है यहाँ से एक है नासिर बेकर्स, और तो अब्दुल्ला नासिर जा रहे हैं नासिर बेकर्स यहाँ से चॉकलेट मिल्क लेने। तो मैं चाह रहा था कि डे फ्रेश मेरे ख्याल से उस कंपनी का नाम, उसके तो नहीं मिले, तो ये 3-4 माइलों ही ले लिए, तो अभी अब्दुलरहमान यहाँ पे वेट कर रहा है कहीं पे आगे, इधर उसको मैंने कहा था गाड़ी कहीं साइड लगा, काफ़ी ज़्यादा रश है तो वो खड़ा है, सारी चीज़ें नीचे बैठ जाती है ना, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको एक बार आप हिलाएं, उसके बाद जो है घुमा ले, पूरा घुमा ले। मैंने आपको बताया वकास को नहीं पता, तो अभी जाके उनको ना हैवी वाला सरप्राइज़ करते हैं, उसके फेमो गुमान में भी नहीं होगा, कल गए और अभी दोबारा वापस आ गए। ये ऊपर वाला, ये वाला कमरा ऊपर करते हैं जाके, अभी उन दोनों दो तीन मंजिल जितने भी अंदर होंगे उनको सरप्राइज़ करते हैं जाके। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, हम इसको सरप्राइज़ देने आए थे, ये सो रहे हैं ऊपर। यार इनको तो सरप्राइज़ लगा ही नहीं, आपको पता था हमारे, नहीं तेरे को पता था कैसे? यार आप लोगों ने देखा है वकास जो है वो सरप्राइज़ तो हुआ नहीं है, तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि हम सारे इकट्ठे चलते हैं। आप देख रहे हैं अवैस भाई ये पीछे परफ्यूम निकाल रहे हैं और कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम सारे एक साथ उधर ही जा रहे हैं उस तरफ जहाँ से हम आए हैं। अभी ठोकर आए थे, अभी हम वापस आ रहे हैं भट्टे चौक एयरपोर्ट वाली साइड पे, तो देखते हैं वहाँ जाके अभी क्या सीन होता है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, वकास ये रेडी हो रहा है, अवैस भाई भी रेडी हो रहे हैं पीछे, अब्दुलरहमान, मैं, वकास। ये वो मोबाइल है, बड़ा ज़बरदस्त कर लिया वकास ने, जब वकास के पास पहले था ये तो ये इसकी इतनी इस तरह की हालत नहीं थी, लेकिन अब इसने बड़ा अच्छा कर लिया, कवर वगैरह लगा लिया। अवैस भाई जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पप्पू बच्चे बन गए, बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह, तो अभी निकलने लगे यहाँ से, देखते हैं फिर। अभी तकरीबन 6:30 हो रहे हैं, तो वकास साहब भी रेडी हो चुके हैं, चलें फिर। वो ये क्या, मुझे लगा कपड़े हैं, वो तो रोटियाँ पड़ी हुई हैं सूखने के लिए।
वकास ने इंट्रो रिकॉर्ड किया है, दो इंट्रो किए थे, एक रिकॉर्ड हुआ जो खराब वाला था और जो सही वाला था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ और वकास की भी शक्ल बन गई। क्या हुआ, हुआ रिकॉर्ड नहीं हुआ, बल्कि हो गया, बचत हो गई। हमें तकरीबन एक घंटा होने वाला है, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए सफ़र कर रहे हैं। अभी हम लोग ठोकर से, अभी नहीं बल्कि उस वक्त ठोकर से निकले थे और हम पहुंचे हैं अभी घोड़े चौक। आज मंडे का दिन है, मंडे के दिन के बावजूद भी इतना ट्रैफिक है। हम लोग कलमा चौक से कब के निकले हुए और अभी इतनी ट्रैफिक हमें रस्ते में मिली है। टाइमलेस पे आपने देख लिया, बार बार गाड़ी रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, तो हमें बहुत देर लगी है। रास्ता इतना लंबा नहीं है लेकिन हमें जितना लंबा है उससे डबल का पड़ा। रस्ते में जो है ना, जब हम ठोकर से निकले थे तो वहाँ इतनी बारिश का मौसम नहीं था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बादल हैं, आप ऊपर देख ही रहे हैं सारा, और उम्मीद है उत्तरी। अबे भैया आगे तो बहुत काले बादल हैं वे। जैसे हम लोग यहाँ भट्टे चौक पहुँचे, हमने छोटा मोटा घर वगैरह का काम किया और काफ़ी टाइम हो गया, दो ढाई घंटे गुजर गए हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो हमने कहा उस पर अब क्या रिकॉर्ड करना है, चलेंगे जब खाना खाने तब चलेंगे। मेरे पीछे ये भी यासिर ब्रोस है, यासिर बैंड बज गई है फुल, इन शॉर्ट यासिर ब्रोस है, वकास है, अवैस भाई हैं, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अहमद को लेने गया है दूसरा अब्दुलरमान। तो अभी मोहम्मद अहमद हमारे साथ आएगा क्योंकि उसकी छुट्टी है, तो सुबह उसको छुट्टी होगी इस वजह से वो हमारे साथ आएगा। अभी पेट पूजा करेंगे क्योंकि सुबह का खाना खाया हुआ सबने, सुबह का भूख लगी हुई है, बड़ी भूख तो ये लगी हुई है, देवांगे तो खा लेंगे। चलो खाते हैं फिर चलते हैं, यहाँ पे अभी बस उनका वेट करते हैं, उनके साथ इकट्ठे अंदर चलेंगे। खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, ये आपके सामने, कैसा लगा अब्दुलरमान? मजा आया मोहम्मद अहमद, मजा आया अवैस भाई? बहुत मजा आया यार, कमाल है। बस मजा था, अल्लाह का शुक्र है। ये ऐसा ही बंदा है, बस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा इसके साथ। बाकी अभी देखते हैं, मेरे ख्याल में तो अभी हमारा सारा काम आज का ख़त्म हो गया, अभी इसके बाद हमने यहाँ से निकलना है और वकास लोग जा रहे हैं अभी घर पे, अवैस भाई भी घर पे जा रहे हैं। तो ये माहौल उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा, अगर आप इस तरह की जगह पर आना चाहते हैं, मतलब इसी जगह पर, इस तरह की कह रहे हो, इसी जगह पर अगर आना चाहते हैं, 10% अकाउंट मिलेगा तो आप जो है ना वो ये है यासिर ब्रोस, गाजी रोड पे एयरपोर्ट के सामने, बिल्कुल मतलब एयरपोर्ट कैसे बोलेंगे इसको, टोयोटा एयरपोर्ट है ना, इसके बिल्कुल सामने, तो यहाँ आप आके एंजॉय कर सकते हैं। हमने तो यहाँ बहुत एंजॉय किया, हम चार पांच बंदों ने जितने भी यहाँ पे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आया है। उम्मीद है आपको भी हमारे साथ काफ़ी मज़ा आएगा। सुबह से हम लोग निकले हुए थे, निकले असल में हम लोग मोबाइल लेने थे और हमारा इख्तिताम दिन का हुआ है यहाँ खाने पे यासिर ब्रोस के साथ। पैकिंग ऐसी कर रहे हैं जेड़े वधिया कड़े हैं, क्यों छड़ के जाइए भाई? बिल्कुल जी, बड़े पैसे देते रहे। तो सुनाओ किवें लगा व्लॉग, मिलने तो अगले व्लॉग में, उदों तक उस वेले तक अल्लाह हाफिज़।